उदाहरण इंडियन कॉफी हाउस वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता के क्षेत्र में इससे अच्छा उदाहरण हमारे देश में मुझे तो देखने नहीं मिला। हमारे संस्कारधारी जबलपुर में इंडियन कॉफी हाउस का 13वां आउटलेट खुला है, जो कि ग्वारी घाट रोड पर नर्मदा जी के तट पे खुला है। और इंडियन कॉफी हाउस एक ऐसी संस्था है वो पूरा सहकारिता का क्षेत्र में उज्ज्वल है। मध्य प्रदेश में ये सोसाइटी का एक पहला स्थान है। डॉक्टर जामदार के हाथों से हुआ इंडियन कॉफी हाउस का 13वां आउटलेट का उद्घाटन। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर संस्कार धानी में इंडियन कॉफी हाउस के आउटलेट का उद्घाटन डॉक्टर जामदार की उपस्थिति में किया गया, जिसमें नगर महिला अध्यक्ष रूपा राय और सभी सामाजिक के साथ राजनीतिक लोग भी शामिल हुए। डॉक्टर जामदार ने इंडियन कॉफी हाउस की स्वच्छता और क्वालिटी की तारीफ की और बताया कि लोगों का विश्वास दिन ब दिन इंडियन कॉफी हाउस पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी और स्वच्छता हमेशा नंबर वन रहती है और साथ ही साथ लोगों का विश्वास भी यहाँ आउटलेट पर बना रहता है। वहीं रूपा राय नगर भाजपा महिला अध्यक्ष ने भी आउटलेट की तारीफ करी और उन्होंने बताया कि लोगों का विश्वास सालों से काफी हाउस इंडियन काफी हाउस पर लगातार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी और स्वच्छता हमेशा अच्छी रहती है और यहाँ का एटमॉस्फियर भी बहुत अच्छा रहता है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, घर जैसा माहौल और स्वच्छ खाना यहाँ पर मिलता है। वहीं इंडियन काफी हाउस के मैनेजमेंट ने भी लोगों का आभार व्यक्त किया। जबलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आज हमारे संस्कारधारी जबलपुर में इंडियन कॉफी हाउस का 13वां आउटलेट खुला है, जो कि ग्वारी घाट रोड पर नर्मदा जी के तट पे खुला है। और इसका उद्घाटन हमारे सम्मान्य डॉक्टर जामदार साहब ने किया है और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ इतना स्वच्छता और इतनी सफाई के साथ यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं कि मतलब दिल खुश हो जाता है। इसलिए मैं इस कॉफ़ी हाउस के सारे सदस्यों को, कर्मचारियों को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और गोपाल राजन जी जो हैं, जिन्होंने इसका शुभारंभ हमारे घर के करीब किया है, इसके लिए इन्हें और भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बधाई, ढेर सारी धन्यवाद। ये इंडियन कॉफ़ी हाउस जबलपुर का 13वें ब्रांच का उद्घाटन हुआ, डॉक्टर जामदार साहब ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर जामदार साहब ने जैसे बताया वही मेरे को भी बोलना है। इंडियन कॉफी हाउस एक ऐसी संस्था है वो पूरा सहकारिता का क्षेत्र में उज्ज्वल है। मध्य प्रदेश में ये सोसाइटी का एक पहला स्थान है, इसलिए हम लोग उसका गर्व भी रखता है। और हमारा साथ में जो काम करता है उनका स्नेह से, उनका साथ मिलकर हम लोग काम करने से इतना सोसाइटी बड़ा हो गया। आपके कॉफ़ी हाउस में हमेशा शुद्धता की बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारा कॉफ़ी हाउस में हमेशा शुद्धता और शुद्धता के साथ में हम लोग व्यवहार करता है। जो ग्राहक आता है, जो कस्टमर आता है, उनको अच्छी तरीके से हमारे वेटर, हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ पूरा अच्छे तरीके से उनका देखभाल करता है। सर, जबलपुर में कितनी अपनी आउटलेट है? अभी ये 13वां आउटलेट है। नाम बताइए। कितने स्टेट? 21 स्टेट में हमारा 158 कॉफी हाउस चलता है। नाम बता दीजिए। नाम, पूरा नाम जबलपुर में। आपका नाम? आप राजगोपालन, अध्यक्ष इंडियन कॉफी। उदाहरण इंडियन कॉफी हाउस वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता के क्षेत्र में इससे अच्छा उदाहरण हमारे देश में मुझे तो देखने नहीं मिला। और लगभग 50 से अधिक वर्षों से ये काम चल रहा है, इसके अनेक आयाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भोजन की शुद्धता। यहाँ का प्रत्येक आइटम आपको प्योर मिलेगा, उसके अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, यहाँ की साफ सफाई। आप किसी भी समय आइए, यहाँ के टेबल, यहाँ का फ्लोर, यहाँ का किचन चमचमाता हुआ मिलेगा। ये कमिटमेंट है अपने काम के। भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम्, अपने अपने काम की कुशलता ही योग। तो यहाँ पे साफ सफाई वाला अपना काम पूरी कुशलता से, खाना बनाने वाला अपना काम पूरी कुशलता से, सर्व करने वाला व्यक्ति अपनी काम को 100% निष्ठा के साथ करता है। और हमारे राजगोपालन साहब, जनरल मैनेजर साहब, इन सारे लोगों के ऊपर एक पिता के समान प्रेम करते हुए और अपने सारे कस्टमर्स, सब क्लाइंट्स को इतना प्रेम देते हैं,
कि आदमी जो यहाँ आता है वो यहाँ का बन के रह जाता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जबलपुर में ये 13वां आउटलेट है, भारत के अंदर 158 आउटलेट है, और इस सारे व्यवस्थित स्वरूप को अगर एक जगह बांध के रखा है तो राजगोपाल हंस साहब और प्रकाश ने जी बांध कर, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे मित्र सुजीत कलंत्रे ने, सतीश कलंत्रे जी ने 7 दिन के अंदर इस यूनिट को इतना सुंदर खड़ा कर दिया है कि मुझे लगता है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 7 दिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। हमारे मित्र हैं अक्षय ध्यानी साहब, ध्यानी साहब इसकी पूरी चिंता करते हैं, इतने सालों से इतनी बड़ी सिस्टम को व्यवस्थित चला रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्रीय नागरिक बंधुओं को, हमारी रूपा जी हैं यहाँ पर, और इस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों को एक अत्यंत सुंदर दक्षिणात्य भोजन का आनंद आने वाले समय में मिलने वाला है। मैं सबको बधाई देता हूँ और संस्कारधानी की ओर से हमारे राजगोपाल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अभी हम 13वां आउटलेट खोल रहे हैं, आने वाले वर्षों में हम 30 से अधिक आउटलेट तक इसको ले जाएँ। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं।